नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाई रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी को पहचान सकते हैं ताकि समय रहते उसे अच्छे से हॉस्पिटल में हम एडमिट कर सकें ताकि डिलीवरी है वो सामान्य हो सके। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है और जो बहुत ज़्यादा देखने वाला जो पॉइंट्स है वो है खून की कमी या एनीमिया। यदि किसी महिला को गंभीर एनीमिया हो, अर्थात किसी प्रेग्नेंट लेडी का HB या हीमोग्लोबिन यदि 7 ग्राम से कम हो तो ऐसी महिला हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आए। बहुत ही कम उम्र में गर्भधारण करना, जैसे 18 वर्ष से कम की उम्र में गर्भधारण करना, बहुत ज़्यादा उम्र में गर्भधारण करना, जैसे कि 35 साल से ज़्यादा की उम्र में गर्भधारण करना, ये भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आता है। बहुत ज़्यादा वज़न कम होना या वज़न का बहुत ज़्यादा होना, यह भी हाई रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी में आता है। कम ऊंचाई, यदि किसी महिला की ऊंचाई कम हो गर्भ, तो वो भी हाई रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी में आता है। यदि पिछला प्रसव ऑपरेशन से हुआ हो, यानी कि सिजेरियन सेक्शन से हुआ हो, तो वो भी हाई रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी में आता है। यदि किसी महिला को पिछले प्रसव में किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन हुआ हो, जैसे PPH वगैरह हुआ हो, या गर्भावस्था के दौरान पिछली गर्भावस्था में किसी महिला को किसी भी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन हुआ हो, तो वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आएगा। ट्विंस प्रेगनेंसी यानी कि जुड़वा बच्चों का होना, ब्रिज पेचेंडेशन यानी कि बच्चा का जो पोजीशन है वो उल्टा होना, कुल्हे के बाहर होना, प्लेसेंटा में किसी भी प्रकार का डिफेक्ट होना या प्लेसेंटा प्रीविया होना, एमनायटिक फ्लूइड का बहुत ज़्यादा या बहुत ही कम होना, गर्भवती महिला को किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी होना, जैसे कि सिकलिंग, हाइपोथायराइडिज्म, हार्ट, लीवर एवं किडनी की बीमारी, HIV इन्फेक्शन, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ऐसी किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी हो, तो वो महिला भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंतर्गत आए। प्रीएक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया, HIV, पेल्विक बोन में किसी भी प्रकार का डिफेक्ट होना, ये सब भी हाई रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी के पॉइंट्स हैं। अभी हाल ही में सरकार ने COVID-19 को भी हाई रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी के अंतर्गत ऐड किया है। यदि किसी प्रेग्नेंट वुमन को प्रेगनेंसी के दौरान COVID-19 का इन्फेक्शन होता है तो वो भी हाई रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी में। यदि किसी महिला को गर्भपात हुआ हो, 3 बार से अधिक गर्भधारण हुआ हो, तो ये भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंतर्गत। तो इन सभी पॉइंट्स के आधार पर आप हाई रिस्क प्रेगनेंसी को पहचान सकते हैं। इसके अलावा कुछ आवश्यक जांच एवं सोनोग्राफी भी करानी पड़ती है, फिटल एनोमली टेस्ट भी कराना पड़ता है। तो इन सब से आप हाई रिस्क प्रेगनेंसी को पहचान सकते हैं और समय रहते इनको एक अच्छे से अस्पताल में एडमिट करके सुरक्षित प्रसव करा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।